यस सो हमने कल S3 के टेबल को अथेना में SQL क्वेरी से कैसे एडिट सॉरी फेच करना है और क्वेरी कैसे करना है वो देखा था। अथेना हैज टू ऑप्शंस, टू इंजन इट प्रोवाइड्स, वन इज SQL क्वेरी इंजन, वन इज स्पार्क इंजन। ठीक है, पाई स्पार्क एंड स्पार्क SQL इट सपोर्ट्स। सो वी हैव कवर्ड SQL पार्ट ऑफ इट यस्टरडे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू परफॉर्म इट एंड अंडरस्टैंड एंड आस्क मी क्वेश्चन अबाउट इट। एज आई हैव ऑलरेडी आस्क यू गाइज, कितने लोगों ने परफॉर्म किया है, देर आर वेरी फ्यू, लेस देन 50% ऑल्सो। सो आई एम नॉट एंटरटेन द क्वेश्चन ऑल्सो टूडे। ठीक है, अंटिल एंड अनलेस देर आर मोर गाइज हु आर परफॉर्मिंग, आई एल नॉट एंटरटेन द क्वेश्चन ऑल्सो। आई स्टार्ट विथ नोटबुक एडिटर टूडे। ठीक है, सो सी हियर यू विल हैव टू क्रिएट अ वर्क ग्रुप। देर इज नो वर्क ग्रुप फॉर दिस थिंग, स्पार्क स्पार्क वर्क ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग एक वर्क ग्रुप क्रिएट करते हैं इसके लिए। सो आई एम गिविंग नेम एज डीएस स्पार्क वर्क ग्रुप। ठीक है, तो डिफॉल्ट स्पार्क इंजन सिलेक्टेड है, द वर्जन इज ओनली वन वर्जन दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल नोटबुक हम लोगों को अगर देखना है कि क्या होता है इसमें, तो एग्जांपल नोटबुक टर्न ऑन किया है मैंने। और आई एम रोल, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आई एम रोल क्यों जरूरी है पता है क्या? यू वॉन्ट टू गिव वैलिड परमिशन टू योर स्पार्क इंजिन फॉर अथेना स्पार्क इंजिन फॉर योर S3 बकेट्स। ठीक है, अगर मैं इसका डिफॉल्ट रोल वर्क ग्रुप को क्रिएट करने करके करने देता हूँ, ठीक है, तो इट विल नॉट एड ऑल दोज परमिशंस, ठीक है, ऑन योर बिहाफ। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अब भी डिफॉल्ट रोल क्रिएट करने देते हैं, इफ इट एड्स देन इट इज ओके, अदरवाइज विल गो टू आई एम एड पॉलिसीज रिलेटेड टू S3। ठीक है, तो हम लोग वैसे करते हैं। ठीक है, पहले एरर आने दो। ठीक है, कैलकुलेशन रिजल्ट सेटिंग क्रिएट न्यू S3 बकेट, या दैट इज ओके, एक नई S3 बकेट बनेगी इसके रिजल्ट के लिए। या पब्लिश टू क्लाउड वॉच, क्रिएट वर्क ग्रुप। यस वी हैव क्रिएटेड अ वर्क ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग विन नोटबुक एडिटर में जा सकते हैं। या वी हैव ओके, हमारा एक वर्क ग्रुप है हमारे पास। या हियर यू कैन सी एग्जाम्पल नोटबुक, इफ यू वॉन्ट टू ओपन इट वी कैन ओपन इट। ठीक है, इट इज ओपनिंग, यू कैन सी राइट, न्यू सेशन स्टार्टेड यूजिंग डिफॉल्ट पैरामीटर 20 मैक्सिमम डिफ्यूज। ठीक है, तो मतलब ये ना नोटबुक ये है वो खुद ही सेशन स्टार्ट करता है स्पार्क सेशन। सो यू यू डोंट हैव टू क्रिएट स्पार्क सेशन एक्सप्लिसिटली बाय इंपोर्टिंग स्पार्क सेशन एंड ऑल। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशन ओवर इट। ठीक है, इफ यू सी दिस नोटबुक ऑल्सो यू विल एबल टू सी इट, देर इज नो स्पार्क सेशन दैट इज बीइंग क्रिएटेड, अथेना स्पार्क इंजिन टेक्स केयर ऑफ इट। ठीक है, दो फॉर ईच नोटबुक देर विल बी डिफरेंट सेशन। ओके, एंड वेन यू आर टर्मिनेटिंग दिस नो यू विल हैव टू टर्मिनेट द सेशन फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिलीट द वर्क ग्रुप और डिलीट द नोटबुक इटसेल्फ। ठीक है, ये याद रखो बस। सो इफ यू सी द सैम्पल एग्जाम्पल नो, हियर यू कैन सी इट। ठीक है, हम लोग क्रिएट करेंगे अपना नोटबुक, स्पार्क SQL ऑल्सो देयर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बेसिक जुपिटर नोटबुक जैसे यूज करते हो ना वैसे ही करना है, कुछ एडिशनल कुछ भी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको स्पार्क सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। विल क्रिएट अ न्यू नोट। ठीक है, सो विल गिव नेम एज डीएस स्पार्क नोटबुक। ठीक है, क्रिएट न्यू सेशन स्टार्टेड यूजिंग डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, ये आ रहा है, तो एबल टू सी। या सो व्हाट विल डू इज नहीं, ओके ठीक है, तो एक कोई S3 URI कॉपी करते हैं। ओके,
PMR Hive में हमारी सेल्स वाली CSV फाइल थी, विल टेक दैट CSV फाइल ओनली, हेल्प ऑफ विद दिस S3 URI. ठीक है, सॉरी यार. हाँ तो अभी क्या है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है राइट. तो ये हो गई हमारी सेल्स DF इज इक्वल टू, बताओ मुझे क्या करना होता है इसमें, बताओ. spark.read.csv. यस, इफ यू वांट टू गिव सम ऑप्शंस यू कैन गिव इट हियर. ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस लाइक हेडर एंड ऑल यू कैन डू ना. हेडर इक्वल टू ट्रू, स्मॉल भी हो सकते हैं यहाँ पे. ओके, डॉट ऑप्शंस, इन्फर स्कीमा भी होता है ना यार. ऑप्शन है या ऑप्शंस है, वैसे वेरीफाई करो एक बार. ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन है ना, यस. ऑप्शन है, ऑप्शन. इन्फर स्कीमा की कैमल केसिंग है क्या, तो देख लो एक बार. आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट, ठीक है, तो आपका भी थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा. इन्फर स्कीमा चेक करो, स्पेलिंग कैमल केसिंग होता है स्पार्क में, तो इन्फर स्कीमा ऐसा है या नॉर्मली स्मॉल कैप्स में दिया तो चलेगा, देखो एक बार सेम सेम. यस, कैसे. कैमल केसिंग कैपिटल. एस कैपिटल है राइट. हाँ, इससे क्या समझ में आया हमें, स्पार्क में ना सारी चीजें कैमल केसिंग में, ये तो पता है ना. यस सर. कोई एक दो एक्सेप्शन है बस, वो स्पार्क सेशन सिर्फ कैप्स कैप्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कोई तो भी चीज है, बाकी सब चीजें कैमल केसिंग में. यू शुड कीप अ नोट ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि आप फाइनल इंटरव्यूज में ना आपको नोट पैड पे कोड टाइप करने होते हैं, तो एडिटर आपको सपोर्ट नहीं करता ये चीजों की, ठीक है. यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स इन माइंड, क्योंकि ना ये आपका एक्सपीरियंस दिखाता है कि आपके नेचुरल फ्लो में कैमल केसिंग आ रही है, ठीक है. और क्या था ऑप्शन, CSV, आई विल गिव दिस फाइल नेम. ठीक है, हो गया. और कुछ है डेटा फ्रेम क्रिएट करने में, सर, पाक के पहले आर भी देना पड़ेगा क्या, हम सब जैसे देते थे? नॉट नेसेसरी अभी के लिए, क्योंकि लेट्स सी अगर वो एरर देता है तो देते हैं. रॉ पाथ किस चीज के लिए देना पड़ता है पता है क्या, ये जो बैक स्लैशेस होते हैं ना, वो कुछ सिस्टम्स में फॉरवर्ड स्लैशेस होते हैं उसके लिए, फोल्डर पार्टिशनिंग के लिए, और किसी इसमें बैक स्लैशेस होते हैं, तो अगर डिस्क्रिपेंसी जहां पे भी आपको लगती है ना, वहां पे रॉ आर देना पड़ता है, ठीक है. आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी हियर, लेट्स सी क्या क्या होता है, रन करके तो देखते हैं हम क्या एरर आएगा, देखते हैं. एरर तो आने वाला है, तो ये एरर इज रिलेटेड टू परमिशंस, ठीक है. परमिशन के रिलेटेड एरर है कि जो आपका IAM रोल प्रोवाइडेड है ना इस नोड वर्क ग्रुप को, इट इज नॉट अलाउिंग परमिशंस टू दिस थिंग S3 बकेट, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका IAM रोल चेक करते हैं पहले, तो क्या नाम है उस IAM रोल का, ये है ना हमारा वो ग्रुप. ओके, अथेना स्पार्क एग्जीक्यूशन रोल PH एंड है, तो वो ये सर्च फॉर अथेना PH से एंडिंग कर, या सी दिस रोल है ये है, ठीक है. तो हम लोग इसको ऐड परमिशंस करते हैं रिलेटेड टू S3, ठीक है. S3 फुल एक्सेस दे देते हैं हम लोग अभी के लिए, तो या विदाउट अटैच दिस पॉलिसी.
ठीक है. यस, सो लेट्स गो बैक हियर बैक टू एडिटर. नाउ लेट्स सी वेदर इट कैन फीचर्स द आउटपुट ऑन. हिस्ट्री का एक्सेस तो मिल रहा है. हाँ, प्रोग्रेस में है. ठीक है. सो रिगार्डिंग द प्राइस वगैरह ना, तो इसके लिए चार्जेस है नोटबुक के लिए, ठीक है, और ठीक ठाक सिग्निफिकेंट चार्जेस है. तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत चीजें करके देखो. दिस इज प्लेन स्पार्क, ठीक है. आप आपके स्टैंड अलोन मोड पे जो करते हो यही करना है इसमें. जस्ट दैट यू शुड नो कि देर इज ऑप्शन टू डू स्पार्क कोडिंग इन अथेना ऑल्सो. सो यू नीड नॉट टू प्रैक्टिस ऑन दिस एडिटर और नोटबुक पर से. वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन योर जुपिटर नोटबुक नो इन स्टैंड अलोन मोड, दैट दोज आर द सेम थिंग, सेम एग्जैक्ट थिंग्स थिंग्स दैट यू विल डू हियर. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ सेशन बनाने की जरूरत नहीं है. स्पार्क सेशन डिफॉल्ट क्रिएट होता है आपका. ठीक है. तो एज यू कैन सी यू आर एबल टू फेच द रिजल्ट ऑफ द फाइल. ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सर्टन थिंग्स यू कैन डू दैट. देर इज नो रॉकेट साइंस टू इट. वॉट एवर यू हैव डन इन स्पार्क, दीज आर द सेम थिंग्स यू विल बी परफॉर्मिंग हियर. सो एवरी वन रिमेंबर्स, राइट, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड यू कि AWS में आप कोई कोडिंग नहीं सीखोगे एज सच. क्या सीखोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग और कनेक्शन. ठीक है. कि एक सर्विसेस को आपके कोडिंग पार्ट के लिए कनेक्ट कैसे करना है. ठीक है. तो एज यू कैन सी अथेना में आप जो क्वेरी कर रहे हो या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो कोडिंग कुछ अलग है क्या अथेना में स्पार्क से? मतलब जो स्टैंड अलोन मोड पे पाइस्पार्क कर रहे हो या फिर सिक्वल कर रहे हो, कुछ अलग है क्या उससे? नो सर, नहीं है ना. नो मतलब सर, जो जी कोडिंग सर, पार्ट है वो तो आपने पिछले 6 महीने में कवर कर ही लिया है, राइट? पाइथन, स्पार्क, सिक्वल, करेक्ट. तो यहाँ पे वही चीजें अप्लाई करती है. ठीक है. तो स्पार्क में स्पार्क की चीजें लिखोगे, आपकी जो भी ट्रांसफॉर्म से वैसे लिखोगे. जस्ट दैट आप लोग जो स्टैंड अलोन में कर रहे थे, यहाँ पे एक क्लस्टर बेस इकोसिस्टम में कर रहे हो, सर्वरलेस इंजिन में. ठीक है. तो यही ही डिफरेंस है. यू शुड जस्ट नो कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड इफ यू परफॉर्म यूजिंग दोज ऑप्शंस टू एन एक्सटेंट, यू विल ऑल्सो रियलाइज सर्टन बेसिक चैलेंजेस रिलेटेड. ठीक है. जैसे कुछ सिंपल चीजें पता चल गया, स्पार्क सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं. ठीक है. तो ये सब चीजें ना बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें है. ठीक है. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन यू विल प्रैक्टिस. ठीक है. तो एज सच कुछ डिफरेंट नहीं है. सो विल नॉट गो मच मोर इन टू इट कि इससे और क्या ही परफॉर्म करोगे. फिल्टर लगाओगे ज्यादा से ज्यादा, क्या करोगे? और ट्रांसफॉर्म्स लगाओगे. जो बेसिक ट्रांसफॉर्म्स आपने वहां लगाए थे, ये यहाँ पे भी लगा सकते. ठीक है. So there is no rocket science to this thing. So I'll close this notebook also. सबको समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं और ये क्या किया है हमने? यस यस सर, यस सर, चलो यस सर. आई एम गोइंग टू डिलीट दिस. हाँ, देखते डिलीट होता है. सर, वो स्पार्क सेशन डायरेक्टली क्लोज करने से ये हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू शोकेस. ओके, देखो, एरर डिलीटिंग वर्क ग्रुप, अनेबल टू डिलीट वर्क ग्रुप विद नॉन टर्मिनेटेड सेशंस. दीज आर द सेशंस व्हिच आर नॉट टर्मिनेटेड. ये दो सेशन क्यों दिखा रहा है हमें वैसे? क्योंकि प्रीवियसली एक था सेशन, उसने क्रिएट किया था, और बाद में हमने न्यू वाला एक क्रिएट किया। कब किया था प्रीवियसली? मतलब नो सर, जब एक्चुअली एग्जाम्पल के तौर पर लिया था ना हमने, जब एग्जैक्टली वर्क एग्जाम्पल नोटबुक का एक सेशन था और हमने जो नोटबुक क्रिएट किया था क्रिएट किया उसमें. वो एक। यस, एग्जैक्टली. सो हियर यू कैन गो टू सेशंस, सिलेक्ट दिस एंड टर्मिनेट दिस सेशंस. ठीक है. टर्मिनेट दिस थिंग्स, व्हेन दे आर टर्मिनेटेड यू विल बी एबल टू डिलीट इट. ठीक है. या यू कैन सी यू हैव सक्सेसफुली डिलीटेड दिस थिंग. ठीक है. तो और अथेना में ना एज सच कुछ नहीं है. ठीक है. अथेना में जो प्लेन सिक्वल यूज करते हो वही करना है, जो प्लेन स्पार्क यूज करते हो वही करना है. इट इज प्रोवाइडिंग यू अ इंटरफेस एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द बैकग्राउंड एक्टिविटीज फॉर यू. ठीक है. मतलब आप आपका ओरेकल
ओरेकल सीक्वल डेवलपर पे ही आपने प्रैक्टिस किया है ना, सीक्वल ओरेकल सीक्वल डेवलपर पे या पीएल सीक्वल डेवलपर पे किया है? पीएलसी पर, पीएलसी पीएलसी व्हाट एवर, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी यूज किया है, दिस इज वेरी मच सिमिलर राइट? क्या ही है इसमें, अथेना में आओ, क्वेरी एडिटर लॉन्च करो, क्वेरी परफॉर्म करो, बस वही है ना, और क्या है इसमें? इट इज ओनली थिंग दैट यू विल बी एबल टू स्टोर योर रिजल्ट इन क्लाउड इटसेल्फ। वहां पे भी आप कहीं ना कहीं तो लोकल में स्टोर कर ही रहे हो ना, तो इट इज एग्जैक्ट सेम थिंग ना, कुछ डिफरेंस है क्या? किसी को ऐसे लगता है और कुछ डिफरेंस है इसमें? कैन एनीवन टेल कि कोई डिफरेंस है जो हमने नोटिस नहीं किया? और स्टैंड अलोन मोड, स्टैंड अलोन मोड सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टैंड अलोन मोड मतलब क्या है? भाई नॉर्मल स्टैंड अलोन मोड नहीं पता है क्या? सीरियसली नो सर, वो क्लस्टर स्टैंड अलोन कुबरनेट्स वगैरह वो हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज स्टैंड अलोन। एक एक ही सिंगल चलता है उसपे, प्लेटफॉर्म। मतलब कभी कभी HDFS और दोनों भी चलते हैं, स्टैंड अलोन में एक ही मशीन चलती है एट अ टाइम। यस, आप जब आपका कोई भी एनवायरनमेंट आपके लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब कंप्यूट पावर ऑफ ओनली सिंगल मशीन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू इट राइट? तो स्टैंड अलोन मतलब जो अकेली मशीन कंप्यूट परफॉर्म करती है, तो आपके लोकल एनवायरनमेंट को मैं स्टैंड अलोन बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक ऐसे है ना, तो अगर क्लस्टर ऑफ मशीन है तो वो हो गया आपका क्लस्टर मोड। मतलब इफ देर आर मल्टीपल मशीन्स विच आर प्रोवाइडिंग यू कंबाइंड कंप्यूट, ठीक है, वो हो गया आपका क्लस्टर मोड। ठीक है, अगर एक ही मशीन है जो आप कोई क्लस्टर यूज नहीं कर रहे हो, आपके लोकल मशीन में आपने स्पार्क इंस्टॉल किया है, उसमें आपके एक ही मशीन का पावर यूज हो रहा है राइट? वर्चुअल सीपीयू कोर्स कहाँ के यूज हो रहे हैं? सिर्फ आपकी मशीन के ही हो रहे हैं। यस सर। एक ही मशीन है मतलब दैट इज स्टैंड अलोन मोड। तो व्हाट द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंड अलोन मोड इज आई एम रेफरिंग टू योर लोकल लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ स्पार्क और सिक्वल। मेकिंग सेंस? ठीक है, हाँ, तो ऐसे ऐसे होना नहीं चाहिए कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है और इसीलिए पूरी कॉन्सेप्ट ही ना समझ में है। यू कैन आस्क इट इन मिडल ऑल्सो, ठीक है, कि मुझे ही लगा कि स्टैंड अलोन मोड समझ में आ रहा है या नहीं, बट दीज वर्ड यू शुड कीप इन माइंड। ओके, व्हेन यू यूज दिस वर्ड्स व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन और इन इंटरव्यू ऑल्सो, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन दैट यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू कीप इट इन माइंड, नॉट नेसेसरी ईच टाइम बाय दीज पैरामीटर्स, नो वन जज जज यू, बट इट इज बेटर नो इफ यू आर इफ यू हैव गुड वोकैबुलरी ऑफ टेक्निकल वर्ड्स ऑल्सो, दैट इज एडेड एडवांटेज। ठीक है, तो ऐसी चीजें यूज करो वर्ड्स वगैरह। ठीक है, सो जस्ट वन थिंग, वी वांटेड टू सी वेयर आर क्वेरी रिजल्ट्स आर बीइंग स्टोर्ड, नो वी हैवंट चेक्ड इट आउट, सो वी कैन डू दैट। तो इसके लिए हमने क्या आउटपुट लोकेशन कॉन्फिगर किया है? आउटपुट बकेट फाइनल आउटपुट के अंदर, ठीक है, सो लेट सी क्या कोई दिख रहा है उसमें कुछ। एक चीज ऑब्जर्व होगी आपको अभी कि ये पार्टीशन कैसे होता है। फाइनल आउटपुट यहां से देखो कितने सारे पार्टीशन क्रिएट होते हैं, कौन से पार्टीशन है बताते जाओ। व्हाट इज दिस पार्टीशन, क्या ये हियर? यस दिस वन मंथ मंथ, या तो अभी सितंबर का देखना था हमें, एंड दिस वन इज डेट राइट? तो यस यू विल बी एबल टू सी योर क्वेरी रिजल्ट हियर, सो दिस इज मेटा डेटा फाइल एंड दिस इज योर CSV फाइल। इफ यू वांट टू क्वेरी इट यू कैन यूज क्वेरी क्वेरी विद S3 सिलेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी ये हो गया, यू विल बी एबल टू सी इट। तो 10 अभी लिमिट 5 लगाया है इसीलिए 5 रिकॉर्ड आए, देर आर 10 रिकॉर्ड राइट हियर।
लिमिट 15 लगाते हैं, क्या आता है देखते हैं। हाँ 11 रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग हेडर्स आर बीइंग फिश, ठीक है। या इफ यू वांट टू एक्सक्लूड द फर्स्ट लाइन एज इट इज हेडर यू कैन डू दैट आल्सो। या 10 रिकॉर्ड्स आर बीइंग फिश, व्हाट एवर 10 रिकॉर्ड्स आर देयर, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब जो हमने क्वेरी लिखी थी यहाँ पे लिमिट 10 की, वहाँ पे यस ठीक है, ये इसका आउटपुट हमने वहां पे देखा है। तो वो ईयर मंथ और डेट पार्टीशन के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डेट ऑफ दिस थिंग वेरीफाइड, ठीक है। यू कैन यू नेम दिस क्वेरीज, इफ यू वांट टू नेम दिस क्वेरीज कैन यू डू दैट, यस वी कैन सेव बाय सर्टेन नेम। या यू कैन सेव अ क्वेरी, ठीक है, लेकिन कैन यू नेम द फाइल दैट इज बीइंग रिटर्न इन S3 बकेट। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, इफ यू गो हियर नो, सो दिस इज द नेम ऑफ अ फाइल राइट, कैन यू नेम दिस थिंग समथिंग डॉट CSV, यस सर, कैसे बताऊं? वी कैन चेंज हियर द क्यूरी विच इज वी आर रनिंग हियर टू व्हाट इज वी नीड टू परफॉर्म ऑन दैट, मीन्स कैन वी गिव अलियास नेम, So how does alias will help in my help in naming the query results? नो सर, देर इज वन ऑप्शन आई थिंक वी कैन गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूरी. So that is the thing I am asking. I thought So here I the plus don't sign is want here. you to name a query. I know I can name a query. ठीक है, if I so yeah, where was this option here? No, yeah, Yes, yeah. ओके ठीक है, इसको क्वेरी क्या करते हैं, सेल्स टॉप 10, ठीक है, इसका क्या यूज होगा बताओ? एग्जैक्टली वी आर परफॉर्मिंग द क्यूरी द नेम व्हेन डिड यू द नेमिंग वी कैन यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल? यस सर, सो कैन यू टेल मी व्हाट व्हाट डिड आई आस्क यू? क्यूरी का नेम देने से हमें क्या फायदा होगा एक्चुअली. नो नो, यू शुड केयरफुली लिसन टू क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आंसरिंग, ठीक है। व्हाट आई वाज आस्किंग इज कैन यू नेम अ रिजल्ट फाइल नेम, व्हाट एवर द रिजल्ट दैट आर बीइंग रिटर्न इन अ पर्टिकुलर बकेट कैन यू नेम दैट फाइल। सो आई हैव ऑल्सो शोन यू दिस थिंग राइट, दिस इज द क्वेरी रिजल्ट राइट, दिस इज द क्वेरी रिजल्ट, कैन यू नेम दिस फाइल अकॉर्डिंग टू यू, दैट वॉज माई क्वेश्चन। डोंट जंप द गन वेरी क्विकली इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आई डोंट माइंड यू आंसरिंग क्वेश्चन, ठीक है, बट या दैट इज ओके इफ यू आंसर द क्वेश्चन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो दैट इज गुड फॉर यू ओनली, ठीक है। आई डिड नॉट आस्क यू वेदर यू कैन सेव दिस क्वेरी और नॉट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यू कैन सेव दिस क्वेरी, ठीक है। हियर When you save this query, you can see it in saved query. But whether you can name the file that is storing the result of this query in S3, that is my question. Is there anyone who can tell me this thing? डर रहे हो क्या बोलने के लिए? बोलो बोलो। जस्ट दैट यू शुड टेक सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इट सेल्फ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ओनली, इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक, दैट इज नॉट एन इशू। कौन बोल रहा था अभी, उनको ऐसे लग रहा है हेलो क्या? सर, नहीं कैन सर, रीनेम, नहीं आई थिंक सर, वी कैन रीनेम। हाँ हेलो सर, या नाउ आई गॉट योर क्वेश्चन, हियर द ऑप्शन इज सेव्ड क्यूरीज दैट देयर इज अ फाइल आई थॉट एंड वी ओके कैन गो या देयर यू एंड अंडरस्टूड माय क्वेश्चन, गिव द नेम ओके ऑफ दैट फाइल. यस सर, यस सर, ओके यस सर. सर यस, समवन वाज टेलिंग डीजे समथिंग। इज एक्चुअली प्लेइंग प्लेन नीचे, तो यहाँ पे बहुत शोर है दैट्स व्हाई.
ओके, कोई कुछ बोल रहा था, अभी आंसर कर रहा था कुछ चीज। यस चिन्मय, अक्षय हियर। आई थिंक वी कैन सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बकेट, दैट इज द डेस्टिनेशन बकेट, एंड वी कैन रीनेम नो दैट नो नो एज नो, पर आवर। या यू कैन डू दैट मे बी, ठीक है, बट विल यू डू इट मैन्युअली एवरी टाइम? इफ यू वॉन्ट टू डू दिस, विल यू डू इट मैन्युअली एवरी टाइम? तो नो नो नो, दैट विल नॉट बी फिजिबल। वेन यू आर राइटिंग द रिजल्ट, कैन यू राइट इट एज पर यूर कन्वेंशन ऑफ फाइल नेम? दैट इज माई क्वेश्चन। सो सी, आई एक्सपेक्ट यू टू कम अप विथ दिस आंसर, ठीक है, यू टेक योर टाइम फॉर टूडे, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू गाइज टुमारो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्या? सिर्फ इतनी चीज देखनी है, पॉसिबल है या नहीं ये बता दो, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? आई वॉन्ट टू लर्न, यस सर, पॉसिबल है। ओके सी डोंट जंप द गन, डोंट जंप द गन, दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट रिसर्च, फर्स्ट सर, ट्राई टू परफॉर्म एंड देन टेल, ठीक है, ट्राई टू आंसर टुमारो, इज इट नेसेसरी टू जस्ट गेट ओवर विद इट नाउ, लेट अदर्स ऑल्सो एक्सप्लोर दिस थिंग, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आई वॉन्ट अ डेफिनेटिव आंसर एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर द स्क्रीन एंड परफॉर्म दिस थिंग, ठीक है, कैन यू डू दैट नाउ? आर यू श्योर? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू यूर सेल्फ, ठीक है, जस्ट सी सी प्राची, यू कैन टेल द आंसर, ठीक है, देखते हैं हम लोग अगर वो सही है या गलत, क्या बोल रहे थे आप? जो बोला ना वो फाइनल डेस्टिनेशन जो आपने बोला वहां पे रिनेम कर सकते हैं क्या? राइट, नहीं प्राची, रीनेम तो नहीं अभी सर, वहां बकेट पे वो, हाँ वहां पे आप कर सकते क्या, उसका नेम चेंज कर सकते क्या जो आपने बोला? तो कैन यू गो बैक दैट आपने यस, वो, यू कैन हाँ डू दैट, यू कैन डू दैट, यू कैन चेंज द नेम ऑफ द हाँ यार, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दैट्स नॉट एन इश्यू, सी देयर इज ऑप्शन फॉर रीनेमिंग, यू कैन डू दैट, ओके, हाँ ठीक है, माई क्वेश्चन इज वेदर यू व्हाइल अथेना इज राइटिंग दिस फाइल इन दिस लोकेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, ठीक है, उसी टाइम पे कैन वी गिव अ डिजायर्ड नेम, दैट इज माई क्वेश्चन, बाकी चिन्मय, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हेलो, या यस सो आर यू आस्किंग दैट कैन वी चेंज द नेम और गिव द नेमिंग कन्वेंशन व्हाइल राइटिंग द क्वेरी, इज दैट द क्वेश्चन? यस 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 सो अबाउट माई क्वेश्चन इज सिंपल, इफ यू हैव फाइव क्वेरीज हाँ परफॉर्मिंग ऑन सेम टेबल, ठीक है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वॉट इज द रिजल्ट ऑफ वॉट क्वेरी? सो यू विल नीड डिफरेंट नेम फॉर इट, राइट? तो माय गेस वुड बी डिफरेंट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन वुड डू दिट, हाउ हाउ जस्ट कैन तो यू दैट्स माय एक्सप्लेन गेस, आई अगेन? डोंट नो हाउ, आई कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके ओके, दैट वुड बी गुड, ओके ठीक है, इफ यू कैन फाइंड इट आउट, इफ यू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू इट, दैट वुड बी अप्रिशिएबल, जस्ट दैट आई एम आस्किंग यू गाइज, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग व्हाट आई एम आस्किंग, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, आई डोंट थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू फाइंड इट कॉम्प्लिकेटेड आई कैन एक्सप्लेन यू वन 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 मोर टाइम, ठीक है, तो हैंड रेज करो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल ही है ना ये चीज? ठीक है, सर कैन यू रिपीट वंस अगेन, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सो व्हाट थिंग यू वांट मी टू रिपीट, जस्ट टेल मी दिस, सर ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट रिजल्ट वी आर हियर, वी आर हैविंग दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 67, राइट, 67F4782, दिस इज या आवर या क्यूरी रिजल्ट, दिस इज आवर क्यूरी रिजल्ट, यस यस, सो वी वांट टू रीनेम दिस रिजल्ट ओनली ना? वी डोंट वांट टू रीनेम दिस रिजल्ट, वी वांट अथेना टू राइट द फाइल नेम एज वी वांट, से व्हेन वी आर फायरिंग दिस क्वेरी कैन वी गिव अ नेम टू द फाइल वेयर दिस रिटर्न इज बीइंग रिटर्न, वेयर दिस रिजल्ट इज बीइंग रिटर्न,
मतलब हिंदी में समझाओ आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो ये क्वेरी हम लोग यहाँ पे फायर कर रहे हैं बराबर, तो इसका रिजल्ट S3 में एक लोकेशन पे जा रहा है। व्हाट इज दैट लोकेशन? व्हेन यू गो टू सेटिंग यू विल सी दिस लोकेशन, ओके, एंड यू विल हैव ईयर मंथ एंड डेट पार्टीशंस देयर, ओके। इनसाइड दैट यू विल बी एबल टू सी योर क्वेरी रिजल्ट, दैट इज इन अ नेमिंग कन्वेंशन इज फॉलोड बाय अथेना, वी डोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, वो रैंडम कुछ तो भी नाम। तो व्हेन यू आर फायरिंग दिस 5 क्वेरीज, हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि किस क्वेरी का कौन सा रिजल्ट है? और आई विल पुट अक्रॉस वन मोर सिनारियो। अगर समझो ये क्वेरी के रिजल्ट आपको किसी जगह पे एज अ सोर्स यूज करने हैं, कैन यू अंडरस्टैंड आपको वहां पे क्या नाम सर्च करना है या फिर क्या नाम देना है पाथ में? विल यू बी एबल टू गिव अ प्रॉपर सोर्स फाइल पाथ? मैं बोलूँ यस, क्या भी? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो कल आपने जो एक यूजर एकाउंट का वीडियो भेजा था ना कि अपने का कैसा करना है, तो ओके, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो भी आप फाइल सोर्स से लेते हो तो वहाँ पे एक प्रोविजन होता है कि फाइनल डेस्टिनेशन करके आप एक ब्लैंक बकेट भी क्रिएट कर सकते हो कि जो भी वो हम क्यूरीज फायर करते हैं तो उसका अगर हम फाइनल डेस्टिनेशन का जो भी बकेट का नेम देते हैं वहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिकली डंप हो सकता है मीन्स। यस, दैट इज द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग। हाँ, माय तो वहाँ क्वेश्चन पे इज, हाँ देते वक्त ही हम वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन का बकेट का नाम जो है व्हाट वी वांट टू दैट दैट इज हम। ड्यूरिंग राइटिंग द नेम, राइट? हाँ बट आई एम पर्टिकुलरली आस्किंग यू अबाउट द फाइल नेम। एक एक बात देखो, जब आप हमने टेबल क्रिएट किया था, सेल्स डॉट सी एस वी का पाथ दिया था, यू हैव अ नेम सेल्स देयर, दैट्स वाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द फाइल वेन यू आर ट्राइंग इट एज अ सोर्स। बट वेन यू आर राइटिंग द रिजल्ट हियर, कैन यू मेक अ सेंस ऑफ इट कि किस चीज का रिजल्ट है ये? इफ यू वॉन्ट इन नेक्स्ट स्टेप टू यूज दिस एज अ इनपुट, कैसे होता है ना, अगर आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है कुछ चीज पे, ठीक है, तो वो चीज पे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, समझो। हाउ यू विल बी एबल टू हेल्प यू विल बी एबल टू सोर्स दिस फाइल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द फाइल नेम इटसेल्फ? सो दैट इज माई क्वेश्चन, ठीक है। वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग यू इज, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया ये चीज अभी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। सो यू शुड गो थ्रू रिकॉर्डिंग फॉर फर्दर क्लैरिटी, अदरवाइज कनेक्ट विद अदर गाइज, ठीक है। आई हैव स्पेंड 15 मिनट्स ओवर इट, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है यार, अगर नहीं समझ में सर, आ रही है ना। यस आउटपुट क्लॉज इज देयर इफ दैट यू वांट। तो या सो कहाँ पे है? ड्यूरिंग राइटिंग अ क्वेरी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट टेबल नेम एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द आउटपुट क्लॉज एंड इन दैट आउटपुट क्लॉज वी हैव टू स्पेसिफाई द Tell me where to write. लिमिट आफ्टर लिमिट 10 आउटपुट। After limit 10, okay. सॉरी Yeah. सर, आई डोंट नो एक्चुअली, बट आई हैड सर्च इट ऑन चैट जीपीटी एंड दे हैड गिवन मी द आउटपुट क्लॉज एंड वी हैव Output. टू स्पेसिफाई हियर द हेलो Yes. इज इट राइट और रॉन्ग आई डोंट नो सर बिकॉज आई हैड नॉट I'm not going to tell you this. You will try it on your own. ओके And you सॉरी will come up with a solution tomorrow. यस सर यस I want डेफिनेटली a solution. You should ओके try it. If it is able to write a particular file name correctly, you will demonstrate it me tomorrow. ठीक है, सबके ओके लिए सर है ये चीज, ट्राई करो, सिंपल असाइनमेंट है, राइट? समझ में आया ना क्या है? अगर यस सर पॉसिबल नहीं होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपने ट्राई की है वो बताओ मुझे, ठीक है? ठीक है, कि कहीं भी चैट जीपीटी पे मिल जाएगा आपको, राइट? जस्ट गेट इट्स इनपुट, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, जस्ट लेट मी नो टुमारो। इज इट अ बिग आस्क? कोई बड़ी चीज बोल रहा हूँ क्या मैं? नो सर ठीक है, कल कर लोगे? यस यस सर आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 70 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, आई वॉन्ट
एटलीस्ट 60% ऑफ यू आंसरिंग दिस टू मी टुमारो। 60% हम लोग एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 80% तक आना है। 60% लोग, बाकी लोग ऐसे मत सोचो यार मैं 40% में आ जाता हूँ। ठीक है, ट्राई टू कम इन दोस 60% गाइज हु विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन, दैट विल बी गुड फॉर यू ओनली। कोई किसी पे एहसान कर रहा है क्या पढ़ के यहाँ पे? हाँ वो अनलोड का भी एक दिखा रहा है ऑप्शन ओवरराइट करने का, क्या हुआ? अनलोड स्टेटमेंट का भी वो दिखा रहा है ओवरराइट करने का ऑप्शन चैट तो जीपीटी। एक्सप्लोर करो, खुद से एक्सप्लोर करो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, देन कम अप विद द सॉल्यूशन। देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल द ऑप्शंस। यू शुड ट्राई 10 ऑप्शंस, कम अप विद द सॉल्यूशन। द वन ऑप्शन सूट्स बेस्ट। ठीक है, तो आपको चैट जीपीटी से देखा है आपने, चैट जीपीटी से फिर से पूछो, चैट जीपीटी ने जो बताया है वो परफॉर्म करके देखो। नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि ये चीज वर्क करेगी या नहीं। काम करने जाओगे ना, तुम्हें मतलब जाने दो, कल का मैं किस्सा बताने वाला था मेरे मतलब मेरे साथ का, ठीक है वो चीज छोड़ दो, लेकिन आप जाओगे ना मैनेजर ऐसे, आप ऐसे बोल नहीं पाओगे कि ये वर्क करेगा क्या। वो बोलेगा तो करके देखना, तू किस चीज के लिए है फिर। अगर मैं सारी चीजें बताऊंगा, आई विल कम अप विद सर्टन रिक्वायरमेंट्स, यू यू विल कम अप विद सर्टन आइडियाज एंड फिजिबिलिटी ऑफ दोज आइडियाज। देयर विल बी 10 आइडियाज दैट बाय दैट यू कैन इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दैट इज योर कैपेबिलिटी टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर आइडिया बाय राइटिंग ऑफ अदर 9 आइडियाज। समझ में आ रहा है क्या यस सर, बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है क्या? तो यस ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट दी है आपको किसी ने, देयर विल बी अ 10 वेज टू डू इट, लेकिन आप 10 वेज से इम्प्लीमेंट करोगे क्या? पहले तो टाइम इसमें लगाना होता है कि टू चूज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको 10 चीजों की फिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि ये चीज फिजिबल है या नहीं, इससे एग्जैक्ट डिजायरेबल आउटपुट आ सकता है या नहीं। तो यू विल स्पेंड टाइम ऑन डूइंग रिसर्च। ठीक है, यू विल स्पेंड टाइम ऑन डूइंग सॉर्ट ऑफ पीओसीज। ठीक है, बेसिक सैंपल डेटा सेट पे पीओसी करोगे। ठीक है, उसके बाद एक फाइनल पाथ चूज करके उसको रोबस्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे। समझ में आया? तो यू नो वन विल गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस कि ये वर्क करेगा क्या, वो वर्क करेगा क्या। सो ट्राई टू बिल्ड दैट माइंड सेट टू फिगर आउट अ सोल्यूशन ऑन योर ओन। ठीक है, चलो आज आज कोई क्वेश्चन है आज के रिलेटेड? कल के क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ मैं, मैंने क्लास के मतलब स्टार्ट में ही बोल दिया था। कल के क्वेश्चन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैवंट परफॉर्म्ड इट, सो आई एम नॉट हियर टू आंसर दोज हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट एंड आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। आई एम आंसरेबल टू दोज, ठीक है, हु आर परफॉर्मिंग बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैं कल से ऐसे लोगों के क्वेश्चन भी एंटरटेन नहीं करूंगा जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आई विल डायरेक्टली म्यूट देम इन द क्लास। ठीक है, इज इट किसी को अनफेयर लग रहा है क्या ये? बोलो, किसी को अनफेयर लग रहा होगा तो बोलो बोलो बोलो। एम आई बींग नो टू हार्श? सर, नहीं ना, सर एक्चुअली मतलब कैसा हुआ था कि आपने पहले बोला था ना कि चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए मतलब मेरे एंड से तो मैं सीक्वेंस वाइज ट्राई करी, लेकिन आपसे वो आपका वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी कि पहले जो प्रेजेंट डे सिखाया है वो करना है, बाद में जो अपना पेंडिंग है वो करना है। ठीक है, करो करो व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है, लेकिन दिस इज मोर रिकमेंडेड कि मैं कल तो पूछूंगा ही ना, कि वेट नहीं करूंगा कि प्राजक्ता का कब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आई विल एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म व्हाट एवर टॉट इन टुडे सेशन टुमारो। ठीक है, तो वो करते हो, देन एंड देन आई विल आंसर टू योर क्वेरीज, अदरवाइज आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, ये क्लियर है चीज? मैं ये दत्ता सर हाँ का भी कन्वे करने वाला हूँ जब दत्ता सर यहाँ पे आएंगे, कि आई विल नॉट बी आंसरेबल टू दोस हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट देयर एंड, बिकॉज इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स
इट इज माई वेस्ट ऑफ टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन एंड इट इज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैव फिगर आउट सर्टन एरर्स सर्टन इश्यूज ऑन देयर ओन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम ऑल्सो ठीक है तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए अनजस्ट करना मेरे को पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट ठीक है जो नहीं कर रहे वो खुद ही नहीं कर रहे देयर इट इज देयर चॉइस दैट दे आर नॉट डूइंग देन इट इज देयर फॉल्ट इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ठीक है ये चीज आज बोल रहा हूं मैं क्लियर कर रहा हूं इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं ठीक है इसके बाद जिसने नहीं किया है आई हैव नेम्स ऑफ इट आई विल राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट ठीक है नेम्स ऑफ दोस गाइज एंड आई विल नॉट एंटरटेन देयर क्वेश्चंस इन फ्यूचर ठीक है चलो आज का सर सेशन यही पे एंड करते हैं यस एथेना क्यों थी चार्जेबल है ना, मतलब स्टोरेज यस नहीं है उसका? एथेना सिक्वल क्वेरी इतना ज्यादा चार्ज नहीं करता है टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा सेट ठीक है तो अगर आपका डेटा साइज बहुत बड़ा है ना तो MB के फाइल में क्वेरी करो या फिर ना KB की फाइल में करो ना 5-6 रिकॉर्ड ले लो एक CSV फाइल बनाओ देर आर मेनी वेबसाइट दैट दैट कैन हेल्प यू आउट विथ मेकिंग अ CSV फाइल ऑल्सो ठीक है वो फाइंड आउट करो कौन सी है मुझे याद नहीं है एम से कोई वेबसाइट थी आई डोंट रिमेम्बर द नेम वेर यू कैन डायरेक्टली एंटर द डेटा एंड विल प्रोवाइड यू द CSV फाइल और एनीथिंग सॉर्ट JSON बनाना है JSON बनाओ तो आपको अगर डेटा सेट के लिए फाइल बनानी है दैट वेबसाइट कैन हेल्प यू आउट विद दैट ठीक है तो अदरवाइज आप लोकली भी बना लो यार 4-5 रिकॉर्ड तो कॉमा सेपरेटेड फाइल ही तो बनानी है तो कम साइज के फाइल पे क्वेरी करके देखो ओके थैंक इट यू. डिपेंड्स ऑन DPU पावर कंज्यूम ठीक है तो आप छोटे डेटा सेट पे करोगे ना तो ज्यादा चार्जेस नहीं लगे बहुत इनसिग्निफिकेंट चार्जेस है ठीक है लेकिन नोटबुक पे थोड़े है चार्जेस यार नोटबुक पे थोड़े चार्जेस है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो नोटबुक पे एज इट इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर जुपिटर नोटबुक सो तो उसमें कुछ इतना है नहीं कि उसमें प्रैक्टिस कर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस क्रिएटिंग अ वर्क ग्रुप क्रिएटिंग अ नोटबुक इन इट लॉन्चिंग इट ठीक है परफॉर्मिंग सर्टन एक्शन इन इट जस्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कोई एक्सेस डिनाइड का एरर आ रहा है या कोई दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आ रही है वो सब समझने के लिए बस देख लो बस ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मत करके देखना वो नोटबुक में उधर इट इज ऑफ नो यूज नो ठीक है और कोई क्वेश्चंस एनी लास्ट थॉट्स सर वो 2 वर्कबुक क्रिएट होने के बाद आउटपुट फोल्डर जो सेव करते हैं वो शायद एक ही आउटपुट फोल्डर होता है हमारे पास, लेकिन अलग अलग तो अपन सेव नहीं कर सकते. कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर सर कल वो क्वेश्चन था ना, वो 2 वर्कबुक क्रिएट किए थे, फिर अपन आउटपुट फोल्डर दे रहे थे, तो जो एक में चेंज कर रहे थे तो दूसरे में भी चेंज हो जा रहा था ऐसे आउटपुट हो फोल्डर, S3 बकेट आउटपुट फोल्डर. हाँ वो ना इशू वो सर वो मतलब वो शायद डिफॉल्ट चेंज नहीं हो रहा था एक ही होता है शायद हर वर्कबुक का, मतलब चेंज करके ट्राई वर्क किया वन वर्कबुक. वर्क बुक एट अ टाइम होता है क्या हाँ सर, वो मतलब वर्कबुक ओके कितने भी रहे तो सर हाँ हाँ आउटपुट फोल्डर सेम ही रहेगा. एक ही कॉन्फिगर्ड रहता है ओके 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 ठीक है अगर किसी को इसके अलावा कोई भी इसका सॉल्यूशन मिलता है लेट अस नो इन द क्लास ठीक है इफ यू कैन चेंज द आउटपुट पाथ ऑफ डिफरेंट वर्क ग्रुप देन यू शुड लेट लेट मी नो इन द क्लास ठीक है मुझे भी नहीं पता यार इतना सच में मैंने भी आपके सामने ही ट्राई किया था वी आर नॉट एबल टू चेंज इट ठीक है जस्ट आप लोग 70 हो आप अगर एक्सप्लोर करने जाओगे ना तो मेरे से फास्ट कर पाओगे ठीक है जस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो एंड कम अप विद आंसर ठीक है वो इतनी चीज कर लो बस कैन यू कॉन्फिगर आउटपुट पाथ डिफरेंटली फॉर डिफरेंट वर्क ग्रुप्स और नॉट ठीक है टीनू आपने क्वेश्चन पूछा था ना हाँ सर, कैन आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर इट टुमारो बाई पुटिंग सम एफर्ट्स ऑन इट यस सर, मतलब ठीक है थोड़ा कल एक्सप्लोर करो उससे और मुझे कल बताना या ठीक है पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है क्या वो? नहीं नहीं वही तो आपको करना है देखना है यस आप देखो सर, एंड लेट मी नो टुमारो यस सर, ठीक है चलो यस सर. और कोई चीज और कोई कंसर्न जो कमेंट्री की हमने आज नॉट अलाउिंग दोज हु आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन इन द क्लास उसके बारे में किसी को ऑब्जेक्शन ठीक है अगर ऑब्जेक्शन है
तो दत्ता सर आने के बाद उनको बताना। यस बोलो। सर सर हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली पुराना क्लास का एक डाउट था सर, वर्षनिंग के ऊपर। किस पे? हाँ वर्षनिंग सर, हाँ सर आपने जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब बोले थे कि अगर हम IMB का, अभी हमारा फाइल है सर, IMB का फाइल है सर, तो बाद में हमने अपडेट किया 5.2 का बस हाँ विद द सेम नेम, तो पुराना फाइल चला जाएगा वर्जनिंग में सर, राइट सर। यस यस तो अभी हमारा जो स्टोरेज है 10.2 MB का हो गया है क्या, सिर्फ 5.2 का ही रह जाएगा सर नहीं स्टोरेज, नहीं नहीं स्टोरेज तो बढ़ गया ना, तो 5.2 रहेगा सर। 5.2, ओके 10.2 हो गया ना फिर, पिछला वर्जन भी तो 10.2 होगा ना टेन सर, शायद दो पॉइंट फाइल आ टू गई का ना। 10.2 होगा ना आपका? वही सर, क्यों लाइक चुप, लाइक स्पेस तो चुप ही कंज्यूम कर रहा है ना सर, तो इसके लिए वो क्या क्या कॉन्सेप्ट ही क्या क्यों है ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? लाइक। बिकॉज व्हेन यू विल, तो आप ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी देखोगे ना कोई भी, तो उसकी भी कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट करते हो देर विल बी चेंजेस दैट आर मेड ऑन दोस फाइल्स, ठीक है, बट इन सर्टन सिचुएशन यू नीड टू रिवर्ट बैक टू सर्टन थिंग्स, ठीक है। तो ये कोई फोर्सफुल चीज है क्या? नहीं है, दैट इज ऑप्शनल चीज। आपकी यूज केस नहीं है वर्जनिंग की, मत करो वर्जन बकेट। एक्चुअली वो ना बाय एक YouTube पे डिफॉल्ट भी वीडियो देखा डिसेबल्ड था ही सर, रहता बोलो। YouTube पे ना एक वीडियो देखा था सर, उसमें उसने बताया था कि अगर आप सेम सिनेरियो, अगर 5 MB का आप डेटा पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपका, फिर से 2 MB का अगर ऐड कर रहे हो तो आपका स्टोरेज हो जाएगा 7 MB का, तो पुराना यस, कहाँ गया अभी, पुराना पुराना 5 MB कहाँ गया है, अभी तो नया हो गया है 7 MB का, तो पुराना 5 MB कहाँ गया है, वो भी टू रह एमबी रहा है ना कनेक्ट कर वर्सनिंग रहे में, हो तो पुराना वो 5 MB तो वर्सनिंग में रह रहा है ना सर, तो टोटल हम 12 क्यों नहीं बोल सकते हैं। ठीक फिर? ओके ओके, ऐसे मुझे वीडियो भेजो ना एक बार वो, ठीक है, है आई विल सर, ऑल्सो चेक, क्योंकि मैंने भी इतना ज्यादा डिग नहीं किया है उसमें, ठीक है। तो वो ऐसी कॉन्सेप्ट हो सकती है स्टोरेज की कि इट इज ट्रैकिंग ओनली द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, ठीक है। अभी अभी आप देखो, क्योंकि डेल्टा लेक में वैसे होता है, आई नो दैट, बट ठीक इन प्लेन S3 स्टोरेज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, तो आई हैव टू वेरीफाई। लेकिन जो डेल्टा लेक इम्प्लीमेंट करते हैं ना हम लोग एज ए S3, तब उसमें क्या होता है पता है क्या? जो भी आपके DMLs होते हैं ना, तो DMLs के हिसाब से वो स्टोरेज का ट्रैक रखता है, ठीक है। तो आपका अगर कुछ इंसर्ट किया है तो एडिशनल इंसर्ट ऐड होता है बस, ठीक है। तो ये क्या है वो आगे समझेगा आपको, ठीक है, जब डेल्टा लेक के कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत देखेंगे शायद हम लोग आगे, तब आपको वो बात समझेगी, ठीक है। तो ओके शायद इसमें क्या होता होगा कि अगर एक नया वर्जन ऑफ फाइल आ रहा है, ठीक है, पहले की फाइल थी 5 MB की, अभी की फाइल है 7 MB की, इट इज ट्रैकिंग द ओनली द चेंजेस, व्हाट आर द डिलीशंस दैट हैव हैपेंड एंड व्हाट आर द एडिशंस दैट हैव हैपेंड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई एम नॉट श्योर। जस्ट शेयर द वीडियो विथ मी, आई विल गेट क्लैरिटी ओवर इट एंड आई विल लेट यू नो टुमारो, ठीक है। श्योर सर, आई विल श्योर सर, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सर। या इफ एनीवन हैव एनीथिंग टू ऐड टू दिस पॉइंट, यू कैन डू दैट आल्सो। किसने एक्सप्लोर किया ये चीज को? नहीं ना, ठीक है, चलो फिर हम लोग